आगरा की तहसील खैरागढ़ में एक महीने से एक मेले का आयोजन चल रहा था। खैरागढ़ की जनता के लिए खुशी भरा माहौल था। पिछले कई वर्षों से खैरागढ़ में किसी सामाजिक मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस मेले को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। काफी समय पुरानी बात है, खैरागढ़ के एक मेले का आयोजन होता था। किसी कारणवश ये कई वर्षों से बंद हो गया था। तब से खैरागढ़ की जनता को मेले का बड़ा इंतजार था। यहां आपको बता दें कि ये संभव हो पाया मेले के आयोजक सुमित गुप्ता के द्वारा। सुमित गुप्ता के प्रयास से खैरागढ़ में एक मेले का आयोजन हुआ। खैरागढ़ की जनता का मेले को लेकर उत्साह देखने को मिला। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मेले में बहुत ही अच्छा सहयोग किया। किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए फायर टीम हमेशा मौजूद रही, तो वहीं मौजूद थाना क्षेत्र की पुलिस मुस्तैदी के साथ मौजूद रही। कोई भी बवाल, कोई भी परेशानी जनता को नहीं आई। पुलिस ने जनता का ख्याल रखते हुए मेले में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा नहीं होने दिया। मेला आयोजक सुमित कुमार गुप्ता से जब हमने पूछा कि आपको खैरागढ़ कैसा लगा और यहाँ की जनता से कोई आपको परेशानी हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि खैरागढ़ की जनता अच्छी थी। उन्होंने मेले का भरपूर आनंद लिया और कोई परेशानी नहीं हुई। मैं खैरागढ़ की जनता का स्वागत करता हूँ, आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। मेले में आए हुए कुछ लोगों से जाना मेला उनके लिए कैसा रहा, तो सभी ने इसकी तारीफ की। वहीं थाना प्रभारी राजीव सोलंकी, SI पवन कुमार, SSI विमल कुमार, SI तेजवीर सिंह और उनकी टीम और सिपाही हर समय मुस्तैद नजर आए। आज हम खैरागढ़ में जो मेला एक महीने से आयोजित था वहाँ आए हैं। हम जानना चाहेंगे मेले के संस्थापक सुमित कुमार गुप्ता जी से कि हम मेले में आने पर उनको कैसा महसूस हुआ, यहाँ की जनता से कैसा सहयोग मिला, मेले में किस तरह का आपका आनंद प्राप्त हुआ, जनता के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से मेला कैसा चला, जानना चाहेंगे सुमित कुमार गुप्ता जी से। यहाँ मेले में आपको लगभग एक महीना हो गया, इसका या आपको कैसा माहौल यहाँ आपको जनता से अगर अच्छा लगा होगा तो आप फिर आने का यहाँ इरादा करेंगे कभी? सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ दिसंबर में फिर दोबारा आने का मन है, तो यहाँ की जनता से काफी दूर होने के बाद बहुत खुशी महसूस करते हुए हम अब जानना चाहेंगे यहाँ की पुलिस प्रशासन से यहाँ कैसा माहौल रहा था। क्या नाम है भाई तुम्हारा? रामगोपाल। कहाँ के रहने वाले हो? नगला मासू। एक महीने से यहाँ मेला चल रहा था। हाँ। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? कम से कम मैं 6-7 बार आ गया। कैसा महसूस हुआ? एकदम अच्छा लगा। इस तरह के मेले आपके क्षेत्र में पहले भी आयोजित हुए हैं क्या? नहीं, मैंने फर्स्ट बार देखा है। आपको अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। शॉपिंग भी की? हाँ किया। यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा है माहौल और बैठ भी अच्छा है। भविष्य में चाहोगे इस तरह के मेले आपके क्षेत्र में आयोजित होते रहे? मैं चाहता हूँ होते रहे ऐसे मेले, साथ में होना चाहिए। अभी जा रहे हैं एक दुकानदार और ग्राहक के पास, मेले को जो देखने आई हैं उन्होंने से जानना चाहेंगे मेला किस तरह से चल रहा था। मैडम आज आप यहाँ मेले में आई हुई हैं, एक महीने से जो है मेला महोत्सव चल रहा है, आज आप यहाँ मेले में शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं, खरीदारी करने के लिए आई हुई हैं, आपको मेले की व्यवस्थाओं के बारे में आपको क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। इस मामले में मैं सुमित गुप्ता जी जो हैं यहाँ के मेला संयोजक हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इतना अच्छा मेला उन्होंने आयोजित किया कि आज पब्लिक को देखने को भी मिल रहा है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, कोटा में ऐसा दशहरा मैदान में मेला लगा करता है,
लेकिन 21 वर्ष से मैंने वो मेला नहीं देखा है, तो आई वो मेरी ख्वाहिश पूरी होती है। मैडम, यहाँ आपको खरीदारी करते समय आपको कैसा फील हो रहा है, और यहाँ पे मेले में खरीदारी के दौरान सामान की क्रय विक्रय की कीमतों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो है, मार्केट की अपेक्षा यहाँ पे माल सस्ता है और क्वालिटी भी अच्छी है, और यहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो भी कॉपरेट करके जा रहे हैं। सुविधा और सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सुविधा सुरक्षा भी अच्छी है, प्रशासन का पूरा यहाँ पे अच्छी देखभाल है, सब ध्यान दे रहे हैं, सर वगैरह यहाँ पे कैसा माहौल है सब कुछ देख रहे हैं, और शांत वातावरण। मतलब मैं कल भी आई थी और जिस दिन यहाँ का इनोग्रेशन हुआ था उस दिन भी आई थी, उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई दंगा फसाद मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं देखा, बड़ी शांतिपूर्ण से मेला का आयोजन था। और मैं आगे यही चाहूँगी, अगर ये सुधीर गर्ग गुड्डू भैया जी ने ये शुरुआत करवाई है मेले की, मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगी ये मेला हर वर्ष लगे, इससे उन दुकानदारों को रोजगार मिल जाएगा जिनके पास रोजगार नहीं है, पब्लिक के लिए मनोरंजन सुविधा मिले और रोजगार मिले। पब्लिक के लिए मनोरंजन की सुविधा भी बहुत अच्छी है, अभी अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं, और झूले में मुझे डर लगता है लेकिन फिर भी मैं कल ट्रेन में बैठी थी, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ।